हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं केतन तो रहमान, लाइफ चेंजर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स सीरीज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अभी कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे सेक्शन 45(2)(a) तक। अब हम शुरू करेंगे सेक्शन 46 से। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 46, 49, 47, ये सब सेक्शन। और अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। इसका जो एग्जेम्पशंस है सेक्शन 54, सेक्शन 55, वो सब कंप्लीट करते हुए और इसका टैक्स रेट बताते हुए इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। एग्जाम में भी बहुत टाइम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से आप पढ़िए, अच्छे से रिपीट 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 हमारे लेक्चर्स को सुनिए और इसका बेनिफिट लीजिए। एक और अनाउंसमेंट आपसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जैसा कि अभी एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, अगर आप में से कोई लोग टैली सीखना चाहते हैं ऑनलाइन और टैली सीखने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन क्योंकि पेंडेमिक के चलते, कोविड-19 के चलते सभी इंस्टीट्यूट, सभी कंप्यूटर सेंटर, सभी टैली एकेडमीज बंद हैं, तो हमारा इंस्टीट्यूट मतलब लाइफ चेंजर की टीम आपके लिए ऑनलाइन घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रही है एक टैली लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें आपको कंप्लीट टैली की जानकारी घर बैठे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दी जाएगी, जिससे कि आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं और आप हमें Facebook और Insta पर कांटेक्ट करके अपना नाम और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं, जिससे कि हम आपका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 46। सेक्शन 46 है लिक्विडेशन वाला। जिसमें कोई लिक्विडेशन कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को कोई एसेट्स ट्रांसफर करती है, मतलब कि अगर मैं लिक्विडेशन कंपनी हूं और मैं अपने शेयर होल्डर को कोई एसेट्स इन काइंड ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मेरे लिए कैपिटल गेन जो रहेगा वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, मतलब मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी एज अ कंपनी, और ये टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर के लिए क्यों टैक्सेबल होगा? क्योंकि शेयर होल्डर से शेयर्स जा रहे हैं और उसको एसेट्स आ रही है, यहां से शेयर होल्डर से शेयर्स जा रहे हैं और एसेट्स आ रही है, तो ये शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल होगा और कंपनी के लिए एग्जेम्प्टेड रहेगा, सेक्शन 46 ये कहता है। अब शेयर होल्डर के लिए क्या अमाउंट टैक्सेबल होगी, सेल कंसीडरेशन क्या रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। ये इस तरह से टैक्सेबल रहेगा, कंपनी के लिए एक्सेप्ट हो गया क्योंकि कंपनी ने उसको एसेट्स दे दी बिना किसी कंसीडरेशन के। कॉस्ट ऑफ एक्वायरेशन यहां समझ में आ गया, और सेल कंसीडरेशन क्या रहा, सेल कंसीडरेशन रहेगा उस एसेट्स का एफएमवी। ये इस तरह से शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन 46 में। अब बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं सेक्शन 47 में। सेक्शन 47 क्या कहता है? सेक्शन 47 कहता है कि दो तरीके से कि ऑनर चेंज हुआ है, एसेट सेम रही है, या फिर ऑनर सेम हुआ है और एसेट चेंज हुई है। ऑनर चेंज, एसेट सेम, और यहां पे एसेट चेंज, ऑनर सेम, ये हो सकता है। जैसे कि किसी ने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी हो तो ऑनर तो चेंज हो गया, एसेट सेम रही, और यह हो सकता है एसेट्स किस तरह से चेंज होगी कि किसी ऑनर के पास पहले डिवेंचर थे और कंपनी ने अब उसको डिवेंचर की जगह शेयर दे दिए, तो यहां पर एसेट चेंज हो गई, ऑनर सेम रहा, ये सेक्शन 46 बताता है। अब ये किस तरह से हो सकता है, क्या क्या चीजें इसमें रहती हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो सीओए रहता है, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, वो रहता है नए ऑनर के लिए,
न्यू ऑनर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्वायरेशन रहता है कॉस्ट टू प्रीवियस ऑनर। जो प्रीवियस ऑनर के लिए कॉस्ट थी जब ऑनर चेंज हो रहा हो तो ये रहेगा कॉस्ट टू, जब मतलब कॉस्ट ऑफ एक्वायरेशन रहेगा, ये जब आप सेक्शन 49 में आपको अभी पढ़ाऊंगा तब आपको उसमें और क्लियर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्वायरेशन रहेगा कॉस्ट टू प्रीवियस ऑनर, प्रीवियस ऑनर के लिए जो कॉस्ट थी वही इसका कॉस्ट ऑफ एक्वायरेशन रहेगा, और इसमें जो इंडेक्सेशन रहेगा वो प्रीवियस ऑनर का होल्डिंग पीरियड ही इसका इंडेक्सेशन, इसका जो इंडेक्सेशन रहेगा वो भी वही रहेगा। ये केस लॉ है सीआईटी वर्सेस मंजुला जेशा, उसके अकॉर्डिंग ये आपको सेक्शन 49(1) जब मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा। इसमें प्रीवियस ऑनर का कॉस्ट ऑफ एक्वायरेशन रहेगा आपको, और अगर ये कंडीशन आ रही है कि एसेट चेंज हो रही है ऑनर सेम रह रहा है तो कॉस्ट ऑफ एक्वायरेशन रहेगा कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट्स, मतलब यहां पर सीओए रहेगा आपके लिए कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट्स, जो आपके पास डिबेंचर थे उनकी जो कॉस्ट थी वही आपके लिए सीओए रहेगा। इस तरह से ये आपका सेक्शन 47 कहता है। ये हो गया आपका डिबेंचर का जो कॉस्ट रहेगा वही कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन आपका माना जाएगा। अब ये जो प्रीवियस ऑनर वाली बात हो रही है कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, इसमें जो रहेगा कॉस्ट टू प्रीवियस ऑनर, ये सेक्शन 49(1) के अकॉर्डिंग रहता है, और जो इसमें इंडेक्सेशन है आपका, इंडेक्सेशन जो रहता है प्रीवियस ऑनर की जो होल्डिंग रहती है वो इंडेक्सेशन रहता है, वो सीआईटी वर्सेस मंजुला जेशा का केस है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग इसका रेफरेंस आपको देना पड़ सकता है, सीआईटी वर्सेस मंजुला जेशा का एक केस है, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्सेशन प्रीवियस ऑनर की होल्डिंग पीरियड का इंडेक्सेशन आपको मिलता है, ये कहता है आपका ये सेक्शन 47 हो गया। अब सेक्शन 47 में जो ये प्रीवियस ऑनर वाला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए ये 49(1) के अकॉर्डिंग मिलता है। सेक्शन 49(1) क्या कहता है ये मैं आपको बता देता हूं। अब सेक्शन 49(1) कब एप्लीकेबल होता है, मतलब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ऑनर का जो लेना पड़ता है वो कब कब हो सकता है, ये सेक्शन 49(1) कहता है अगर एसेट्स का पार्टीशन, मतलब जैसे कि एचयूएफ का और कोई इंडिविजुअल का कोई पार्टीशन मतलब एसेट्स में हो गया है, तो एसेट्स किसी एचयूएफ के उसमें जा रही है तब प्रीवियस ऑनर का हमें निकालना पड़ेगा। अगर कोई गिफ्ट है विल से जा रही है, सक्सेशन हो रहा है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तब ये सेक्शन 49 लगेगा। अगर कैपिटल एसेट्स ट्रस्ट इरिवोकेबल या इरिवोकेबल हो रहा है, अब अगर कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर हो रही है होल्डिंग कंपनी से सब्सिडियरी कंपनी में, या फिर सब्सिडियरी कंपनी से होल्डिंग कंपनी में, या फिर अमालगमेटिंग कंपनी से अमालगमेटेड कंपनी में, या फिर इधर से उधर अगर हो रही है, लेकिन इसमें कंपनी का जो केस रहता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में भी बात आ सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है वो रहता है आपका कि आपको याद रखना पड़ेगा कि जो रिसिपिएंट कंपनी है, मतलब भले वो चाहे सब्सिडियरी से होल्डिंग कंपनी में जा रहा हो या होल्डिंग से सब्सिडियरी में जा रहा हो, तो यहां पर जो रिसिपिएंट कंपनी है मतलब जिसके हिस्से में एसेट्स आ रही है वो कंपनी इंडियन होनी चाहिए, तभी सेक्शन 49(1) का रूल लगेगा। तो ये सेक्शन 49(1) कहता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करके बता देता हूं 47 और 49 का क्या कॉन्सेप्ट है। मिस्टर एक्स की कोई प्रॉपर्टी है, वो मिस्टर वाई को जो उनका सन है उसको जा रही है, तो मिस्टर एक्स को कैपिटल गेन रेज नहीं होगा, ये आपका 47 कहता है। एक तरह से मिस्टर एक्स को यहां ये नॉन कंसिडरेशन वाला मतलब होगा कि वो ऐसे ही ट्रांसफर कर रहे हैं आप यहां पर, तो मिस्टर इनको कैपिटल गेन नहीं होगा सेक्शन 47 कह रहा है। लेकिन मिस्टर वाई जब इस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो कैपिटल गेन रेज होगा। अब जब कैपिटल गेन रेज होगा तो मिस्टर वाई के लिए सेल कंसिडरेशन तो होगा ही, जो जिस समय ये बेचेंगे वो क्या रहेगा, COA क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन क्या रहता है, ये बताता है सेक्शन 49(1). सेक्शन 49(1) ये बताता है कि कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन क्या रहता है मिस्टर वाई के लिए, इसलिए सेक्शन 49(1) की एप्लीकेबिलिटी या उसकी हमें जरूरत पड़ती है, ये मैंने आपको
इसलिए एक्सप्लेन किया सेक्शन 49(1). उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा, मैं बार बार रिपीट करता हूं, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो आपको रिप्लाई 101% मिलेगा। तो ये हो गया। अब कुछ सेक्शन 47 की एग्जेम्पशन से, मतलब जिन पर ये नहीं लगता, सेक्शन 47 की कुछ एग्जेम्पशन है जहां कैपिटल गेन नहीं लगता, वो तीन या चार है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। वो एग्जेम्पशन है कि अगर रिडेम्पशन ऑफ सॉवरेन गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड का अगर कोई रिडेम्पशन है तो कैपिटल गेन सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट है। अगर डिनोमिनेटेड इंडियन रुपीज का मतलब हो रहा है इंडिया के बाहर नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट तो एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर कोई आप अपना वर्क आर्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि वर्क आर्ट जो आपका रहता है, कोई आपकी पिक्चर, कोई आपकी पेंटिंग, वो कैपिटल एसेट्स रहती है, वो अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं गवर्नमेंट को या फिर यूनिवर्सिटी को, नेशनल म्यूजियम को या फिर नेशनल आर्ट गैलरी को, तो भी सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग वो आपके लिए कैपिटल गेन रेज नहीं होगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर हो रही है अंडर स्कीम रिवर्स मॉर्टगेज, रिवर्स मॉर्टगेज की स्कीम में अगर कोई कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर हो रही है तो भी आपको कैपिटल गेन नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको इन तीन सेक्शन और शॉर्ट वीडियो में आपके लिए बनाई है, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। अगली वीडियो में चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, लाइफ चेंजर की टीम शुरू कर रही है एक नया कोर्स जिसका नाम है टेली लर्निंग प्रोग्राम। अगर उसमें आप पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो हमें कॉन्टेक्ट करें फेसबुक पर या इंस्टा पर। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।